क्या है चुनाव का इस बार मुद्दा, क्या है, किसको लेके आ रहे हैं? हम लोग तो रघुवंश प्रसाद जी को लेके आ रहे हैं, इसलिए कि वो स्वच्छ और साफ छवि के आदमी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भी इलेक्शन का चुनाव है उसमें हम लोग काफ़ी बहुमत से उनको लाने का प्रयास करेंगे। आप हम लोग भी कांग्रेस से लालू के लावेंगे, गठबंधन से लावेंगे। गठबंधन नहीं, रघुवंश प्रसाद। आप रघुवंश प्रसाद? क्यों रघुवंश प्रसाद? अच्छा छवि के लोग हैं वो, जी जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। दो क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो हम लोग को चांस लगाए हुए हैं कि वो जीतेंगे वहाँ से। आप पीछे आइए ना, हो सर पीछे आप। आप आज तक जितनी भी मोदी सरकार ने जो है बोला उस पर एक भी काम पर वो खड़े नहीं उतरे। नोटबंदी उनका उसी तरह फेल हो गया, GST उनका उसी तरह फेल हुआ। इसीलिए हम लोग गठबंधन का प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम कर रहे हैं। वैशाली लोकसभा में बीना देवी और रघुवंश प्रसाद सिंह में दोनों में आसमान ज़मीन का फर्क है। बीना देवी आज की जो है नेता है, रघुवंश प्रसाद बहुत दिनों से जो है राजनीति में एक अच्छा काम किए भी हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, इसलिए हम लोग उनको जिताने का काम। वैशाली में 5 साल में क्या बदलाव देखने को मिला? 5 साल में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। और चूंकि आज तक कभी कैंडिडेट के पास पूछने गए नहीं गए, कभी किसी का मृत्यु हुआ या किसी का अच्छे कार्य में कभी उन्होंने, तो हम ऐसा क्यों प्रत्याशी को लाए? ये जमीनी से है रघुवंश प्रसाद की सिंह, और ये सब गरीबों के नेता है, इसलिए रघुवंश प्रसाद जिंदाबाद, रघुवंश प्रसाद जिंदाबाद।